देखिए, अगर आप बहुत एंग्शियस फील करते हैं या आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्टेट में अगर आप हैं, तो वो स्टेट एकदम से नहीं आ जाती है। उसका जो मेन कॉज होता है कि एक ग्रेजुअल स्ट्रेस जो आपकी लाइफ में चलता रहता है, उसकी वजह से धीरे 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 आपकी स्टेट मेंटेन होना शुरू हो जाती है। वैसे तो स्टेट्स की नेचर है चेंज होने की, लेकिन अगर आपकी एक लगातार स्टेट बनी हुई है, मतलब आप एंग्शियस फील कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, वो चेंज ही नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ आपके दिमाग में इनपुट जा रहा है वो सेम है, आपके इंटरनल डायलॉग सेम है, यानी कि आप सेम ही एक्टिविटीज बार बार कुछ ना कुछ रिपीट कर रहे हैं, जिससे बार बार सेम इनपुट होने की वजह से वो स्टेट वैसे के वैसे ही मेंटेन है। अगर आप अपनी एंग्शियस डिप्रेसिव कोई भी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी एक्टिविटीज चेंज करनी होगी, आपको अपने इंटरनल डायलॉग्स चेंज करने होंगे, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। जैसे डिफरेंट इनपुट जाएगा, आपकी मेंटल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, और फिर उसे नई स्टेट को मेंटेन रखने के लिए लगातार डिफरेंट अच्छा इनपुट दीजिए और आप अच्छी स्टेट में रहेंगे।